देश क्या है देश? ये केवल नदी, पहाड़, समंदर, जंगल, यही है देश? या हमारे नेता, अभिनेता, खिलाड़ी, ये है देश? चलिए हम बताते हैं आपको कि देश असल में है क्या। देश वही जहां खुलकर अपनी समुदाय को फैला सको, धर्म के नाम पर एक दूसरे का गला काट सको, मजहब के नाम पर मुल्क को दबाते जाओ और प्यार, मोहब्बत, एकता, समानता गंगा में बहाकर भूलते जाओ। जिहाद, नाम सुनते ही जहन में कुछ बेअक्ल बेरहम दरिंदों का ख्याल आता है। कोई शरीफ अगर इनके जैसा ना हो तो उसे इनके ही हाथों मौत के घाट उतार दिया जाता है। असली देशभक्त तो मिलते हैं यहाँ। इनकी देशभक्ति केवल सोशल मीडिया पे ही बाहर आती है। देश के प्रति अपना आदर और प्यार झट से अपनी असली औकात के चलते बताते हैं। गुड मॉर्निंग, प्लीज एवरीवन काइंडली स्टैंड फॉर द नेशनल एंथम। भाई लोग खड़े हो जाओ, नेशनल एंथम बजने वाला है और तुम लोग भी। भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड उत्कल वंगा, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। अबे नहीं खड़े हुए तो नहीं खड़े हुए, इतना जरूरी है क्या नेशनल एंथम पे? एक तो वैसे भी सुबह से पैर में दर्द हो रहा है। अबे नहीं खड़े होंगे यार। अबे चल छोड़ यार, काम कर अपना। साला नेशनल एंथम पे तो खड़ा हुआ जा नहीं रहा है, फिर देशभक्त बनकर कर रहे। नारीवाद, ये शब्द सुनते ही हृदय प्रफुल्लित सा हो जाता है। दिमाग में तुरंत ही नए भारत की रखी हुई नींव सामने आ जाती है। एक नारी सब पर भारी, मगर ये नारी कभी कभी अहंकारी भी हो जाती है। देखो गाड़ी लगा रखी है बीच में। अरे यार हटवाओ गाड़ी। बोलो तुम। हो मैडम जी, हो मैडम जी, गाड़ी हटा लो, पार्किंग लॉट में गाड़ी निकालनी है हमें। अरे ओ मैडम, सुना नहीं दे रहा है क्या यार? कब से बोले जा रहे हैं हम लोग हटाने को। चल तुझसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? बाय। क्या है, दो मिनट रुक नहीं सकता क्या? ओ मैडम, अकल वकल है कि नहीं? और थोड़ा तमीज बात कर लो। एक तो बीच पार्किंग लॉट में गाड़ी खड़ी करके रास्ता ब्लॉक करके सहेली से मेल मिलाप हो रहा है, ये नहीं कि दो मिनट साइड में खड़ी करके बात कर ले और ऊपर से हम ही सड़ रही है। तेरे बाप का एरिया जो तेरे कहने पर डा दूंगी मैं। हाँ तो ठीक है ना, हम लोग की तो नहीं है, तेरे बाप की तो है ना, तू साइड में खड़ी कर लेती। यहाँ सूट लगा लूँ, किसने कहा था बे? जस्ट फक ऑफ, निकल यहाँ से बहन चोद। तू जस्ट फक ऑफ यार, तू जस्ट फक ऑफ। वैसे भी तेरी सी लौड़ी है, मुझे को लड़ना चाहता यार। हाँ चल चल, निकल निकल यहाँ से। ज़्यादा चल चल रही है, तुमको बता। क्या बताओगे? हाँ दिखा। हाँ क्या बताओगे? हाँ बताओ। क्या बताओगे? बताए, दिखाते हैं क्या कर सकते हैं। देखते क्या दिखाई है, दिखा दिखाए। हेलो राज, two boys are trying to molest me. मैंने यहाँ पे खाली गाड़ी पार्क करी थी और वो लोग मुझसे आके बदतमीजी करने लगे, तो प्लीज जल्दी आ जा। हाँ प्लीज। ज्यादा बोलना है तुम लोग को, बोलो अब बोलो। स्वच्छ भारत अभियान, इसके अंतर्गत देश स्वच्छ हुआ कि नहीं हुआ,
ये नहीं पता, मगर यहाँ के नागरिक बहुत हाइजेनिक हो गए। खुद का कचरा साफ करते करते ये समाज को ही भूल गए। शिक्षा। कहा जाता है शिक्षा एकमात्र ऐसा हथियार है जिससे हम दुनिया की कोई भी जंग जीत सकते हैं। छात्रों की हायर एजुकेशन इतनी हाई हो गई है कि मूरल और एथिक्स सब कदमों में रौंद गई है। ओ शिट यार, आई एम जस्ट 600 मीटर अवे फ्रॉम माय टारगेट, पर इसके वजह से मेरा पूरा टारगेट मिस हो गया। खूबसूरत लड़कियों को भगवान ने खूबसूरत बनाया ही इसलिए है ताकि नजाकत और मासूमियत से उनके हुस्न और दीदार की तारीफ कर सको। मगर मर्दानगी दिखाने का जो मजा उन्हें सबके सामने बेपर्दा और रुस्वा करने में है, वो नजाकत और मासूमियत में कहां। सर, अरे बालक आ गए, आइए आइए बैठिए। सर हम ये कह रहे थे कि हाँ बताइए क्या कह रहे थे आप। सर ये कह रहे थे कि आप हमारी रिपोर्ट कार्ड ले दिए। अच्छा तो आप रिपोर्ट कार्ड लेने आए हैं। जी सर। लेकिन बालक आप तो फेल कर गए। क्या बात कर रहे हैं सर आप। अच्छा सर सारे पेपर हमारे अच्छे हुए हैं, मार्क्स भी सारे एवरेज आए हैं। अच्छा हाँ सर, केवल सर आपकी कोचिंग नहीं की है इस वजह सर आपको मार्क्स नहीं कर रहा है, सब पता है। ऐसा नहीं कि सर हम फेल हो रहे हो, आपने मुझे जस्ट पास कर दिया, प्रमोट कर दिया हो, अपने बल पर पास हुए सर हम। अच्छा अपने दम पे पास हुए हैं, मतलब आपको शिक्षक मेरी जरूरत नहीं थी। सर ऐसा सर हमने नहीं कहा सर, हम इल्जाम नहीं लगा रहे, हमने जो स्कूल में पढ़ा था सर मुझसे पास हुए हैं। और अच्छा छोड़िए हटाए, चलिए कोचिंग नहीं की है, नहीं की बंद कर रहा है। कुछ लाए हैं, बना देते हैं रिपोर्ट कार्ड। देश का आखिर क्यों नहीं हो रहा है उद्धार, विचार करके देखो। सबसे मुख्य कारण है भ्रष्टाचार। क्या सचमुच यही है देश हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। नहीं तो कट्टरता बांटता जाए जालिम, यहां कोई अपने सीने में पूरा हिंदुस्तान लिए बैठा है। जिहाद जिहाद करता रहा, वहां जन्नत कोई और पा गया। अरे एक बार जाकर तबियत से पढ़ ले कुरान पाक, कसम खुदा की नहीं लगेगी दोबारा कभी सीने में जिहाद के नाम की ये गंदी आग।
तू देश के सम्मान में 2 मिनट खड़ा ना हो सका और वहां किसी का कलेजा दहल सा गया और हंसते हंसते वो अपने जख्मों को सह गया, मगर देश के गौरव को मिट्टी में ना मिलने दिया। नारीवाद का मतलब नारी बनकर वाद करना नहीं, बल्कि अपने हौसले और ताकत के बल पर देश को आबाद करना है। जिसे धिक्कारते हुए लहजे में हे स्वीपर कहते हो ना, वो असल में देश का वो सोल्जर है जो रोज तुम्हारी बांटी हुई गंदगी से लड़ता है और इन आलीशान जगहों को तुम्हारे बैठने योग्य बनाता है। तेरे जानवरों जैसा बर्ताव करता है मुझे अचंभित। तेरी हाई फाई बोली कोई मैटर नहीं करती। इंसान का संस्कार बतलाता है कौन कितना है शिक्षित। तूने कर्मों की बूंद से भरा है अपने पापों का घड़ा। खुदा ना करे तेरी बहन से टकरा जाए कोई पापी तुझसे भी बड़ा। मर्द बनने से पहले इंसान बन जा, मर्दानगी खुद ब खुद तेरे कदम चूमेगी। सर देखिए, आपकी दक्षिणा तो हम सर नहीं दे पाएंगे, और सर वाकई हमारे पास होती तो भी हम ना ही देते। तो सर हमने कहीं पढ़ा था सर, जितना गुनहगार सर रिश्वत लेने वाला होता है उतना ही सर देने वाला होता है। सर वो तो हम नहीं दे सकते, मगर जितना हमसे अभी बन पा रहा है उतना हम आपको भेज दे रहे हैं। ये क्या भेजे हैं बदतमीजी कर रहे हैं हमसे? अरे सर, सबसे कीमती चीज दे दी आपको, अब और क्या चाहिए? क्योंकि सर हमारे हिसाब से किसी हिंदुस्तानी के लिए तिरंगे ज्यादा कीमती और खूबसूरत चीज नहीं बनी होगी दुनिया में। और सर बाकी जो हमने कहना था वो कह दिया, बाकी तिरंगे में लपेट कर भेजे हैं, पढ़ लीजिएगा। क्योंकि सर तिरंगे में लपेटने के बाद तो हमारे वीर शहीद भी अमर कहलाते हैं। आपका तो केवल ईमान है। जय नोटों की गड्डी से न तौल देश के सपूतों को, इनका पाक बुलंद इरादा है। तूने भले ही तजुर्बा बहुत कमाया हो, पर इनका हौसला तुझसे भी ज्यादा है।